हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है लाहौर सेशन 1929, जिसे हम हिंदी में लाहौर अधिवेशन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 अपने लाहौर रस्त में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के सवाल पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और अंग्रेजों के बीच बातचीत टूटने के कारण यह घोषणा पारित की गई थी। पृष्ठभूमि: दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रवादी आंदोलन के एकमात्र उद्देश्य के रूप में स्वराज की वकालत की। 1907 में वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक के रूप में श्री अरविंदो ने लिखना शुरू किया कि राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। 1930 से पहले अखिल भारतीय होम रूल लीग भारत के लिए होम रूल की वकालत कर रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व का दर्जा: कांग्रेस नेताओं और प्रसिद्ध कवि हसरत मोहानी 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस मंच से अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। इसके अलावा 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संवैधानिक और राजनीतिक सुविधाओं पर विचार विमर्श करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य अखिल यूरोपियन समिति की नियुक्त करके पूरे भारत में लोगों को नाराज कर दिया था, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को समाज के भीतर प्रभुत्व की स्थिति के तहत सर्व शासन प्रदान किया जाएगा। बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति के तहत सर्व शासन प्रदान किया जाए। 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक स्पष्ट घोषणा की, जिसे इरविन घोषणा कहा जाता है, कि भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इरविन घोषणा पत्र की इंग्लैंड में तीखी प्रतिक्रिया हुई। राजनेता और आम जनता भारत को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। दबाव में लॉर्ड इरविन ने जिन्ना, नेहरू, गांधी के साथ एक बैठक में भारतीय नेताओं से कहा कि वह जल्द ही डोमिनियन स्टेटस का वादा नहीं कर सकते। इसी समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसे लाहौर सेशन भी कहा जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। इन कारणों से जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति चुना गया। समय के कारण कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना और युवाओं के उस उभार को पहचानने के लिए, जिसने साइमन विरोधी अभियान को बड़ी सफलता दिखाई। लाहौर अधिवेशन में यह प्रमुख निर्णय लिए गए थे: गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था, और विधानमंडल के सभी सदस्यों को अपनी सीटों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता स्वराज दिवस के रूप में तय किया गया था, जिसे हर जगह मनाया जाना था। एक साल के पूर्व संख्या पर आधी रात को राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता प्रतिज्ञा: पूरे देश, गांव और कस्बों में सार्वजनिक बैठक आयोजन की गई और स्थानीय भाषाओं में स्वतंत्रता प्रतिज्ञा पढ़ी गई और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। माना जाता है कि गांधी द्वारा तैयार किए गए प्रतिज्ञाओं में यह बिंदु थे: स्वतंत्रता पाना भारतीयों का अविभाज्य अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल हमें आजादी से संवेचित किया और हमारा शोषण किया, बल्कि हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बर्बाद कर दिया। इसलिए भारत को ब्रिटिश संबंध तोड़ देना चाहिए और पूर्व स्वराज या पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। उच्च राजस्व बिना किसी प्रतिस्थापन के ग्रामीण उद्योगों ने विनाश से हम आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, जबकि सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दर से हमें नुकसान के लिए हेरफेर किया जा रहा है। कोई वास्तविक राजनीतिक शक्तियां नहीं दी जाती हमें। स्वतंत्र संघ
के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और हमारे अंदर की प्रशासनिक प्रतिभा को मार दिया जाता है। सांस्कृतिक रूप में शिक्षा प्राणी ने हमें अपने संबंधों से तोड़ दिया है। आध्यात्मिक अनिवार्य शास्त्रीय कारण ने हमें पुरुषहीन बना दिया है। हम इसे अब ब्रिटिश सरकार के अधीन रहना मनुष्य और ईश्वर का विरोध अपराध मानते हैं। जहाँ तक संभव हो हम ब्रिटिश सरकार से सभी स्वैच्छिक संघ वापस लेकर पूर्ण स्वतंत्रता की तैयारी करेंगे और करों का भुगतान न करने सविनय अवज्ञा के लिए तैयारी करेंगे। इससे इस अमानवीय शासन का अंत सुनिश्चित हो जाता है। इसके अलावा केंद्रीय और भारतीय विधानमंडल के 172 भारतीय सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में और भारतीय जनभावना के अनुरूप इस्तीफा दे दिया था। लाहौर अधिवेशन की विरासत। लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव एक घोषणा पत्र जैसा था। दस्तावेज में ब्रिटिशों से संबंध तोड़ने का आगाह किया गया और पूर्व स्वराज या पूर्व स्वतंत्रता का दावा किया गया था। इसने ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और भारतीयों पर हुए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अन्यायों को संक्षेप में व्यक्त किया। कांग्रेस नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी, उन लोगों की याद में जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए थे। 1947 में ब्रिटिश सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने पर सहमत हुए और 15 अगस्त आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस बन गया। हालांकि भारत का नया संविधान, जैसे कि संविधान सभा द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था, 1930 की घोषणा समृद्धि में 26 जनवरी 1950 को प्रभावित होना अनिवार्य था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो।